तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, अमेजोन की फेस्टिवल सेल चल रही है, आप बोल सकते हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल चल रही है। आज मैं आपको दो सैमसंग के ऐसे मॉडल्स बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट में मिलने वाले हैं। दोनों ही 5G फोन्स हैं। अगर आप फोन लेने की सोच रहे हैं तो अभी ले सकते हैं, आपके पास आज भी और कल का टाइम भी है, आप दोनों में बुक कर सकते हैं। मतलब आज 13 तारीख, 14, 15, आपके पास अभी 3 दिन हैं, अभी भी आप चाहें तो ये ले सकते हैं। दो हैंडसेट जो कि 5G हैं, सैमसंग के हैं, मैं सैमसंग के हैंडसेट ही बता रहा हूँ, और ये दोनों मुझे तो काफ़ी अच्छे रेट में मुझे लग रहे हैं, आगे आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली इजीली, मैं आपको ले जा रहा हूँ अमेजोन के अंदर। अमेजोन में जाने के बाद मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ 5G हैंडसेट जो मुझे बेस्ट लगा उसके अंदर, वो है M33 5G। अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेना चाह रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं, M33 या M34, दोनों ही हैंडसेट सेम प्राइस पे लगभग मिल रहे हैं। आफ्टर डिस्काउंट वो आपको लगभग 14,549 का पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, या मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ। 14,549 का यहाँ पर पड़ रहा है ये M34 5G वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर, और भी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊँ 16.42 का इसका, या बोल सकते हैं 6.5 का डिस्प्ले साइज है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD रेजोल्यूशन पे 1080+23:240 पिक्सल पे। आप यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ग्लास 5 का, और इसमें पीछे 3 रियर कैमरे दे दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है। और पीछे अगर इसकी बैटरी की बात किया जाए, 6000 की यहाँ पर बैटरी दी गई है जो कि बहुत शानदार है, बैटरी का पिकअप आपको बहुत शानदार मिलेगा। यहाँ पर आप इसका फीचर्स भी देख सकते हैं, बहुत कुछ कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। 6000 बैटरी दी गई है, आज जनरेशन ऑफ OS अपडेट, 5 ईयर सिक्योरिटी अपडेट, इसके अंदर 5 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, सैमसंग वॉलेट का सपोर्ट मिलने वाला है, और गैलेक्सी सिग्नेचर डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। ये कुछ उसके रिव्यूज़ हैं जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप प्रोसेसर भी शानदार है ताकि आप गेमिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो बोल सकते हैं ना प्रीमियम जो फ़ोन, सबसे पहला जो मैं आपको बोल सकता हूँ, अगर आपका बजट 15 तक है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं यार भाई, नो डाउट, बहुत ही शानदार ऑफर में आपको ये मिल रहा है। उसके बाद जो सेकेंड बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है M14 5G वाला, M14 5G जो कि आपको मिलने वाला है ऑक्टा कोर प्रोसेस के साथ। ये अगर आपकी 10,000 तक की आपकी रेंज है, आपको कोई मोबाइल लेना है तो आप ये ले सकते हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 10,490 रुपये का पड़ रहा है, थोड़ा 10,000 से ऊपर है, बट ये 5G हैंडसेट है। अभी इस टाइम आपको 5G लेना चाहिए, 4G नहीं लेना। इसके अंदर आपको मिलता है 5G का सपोर्ट मिलता है, एग्नोस की 1330 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके अंदर भी आपको 3 कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का ट्रू सेटअप दिया गया है। इसकी बैटरी भी 6000 mAh की बैटरी दी गई है इसके अंदर भी, बट इसमें कैमरा थोड़ा सा अलग है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक्सनोस की 1330 का इसमें प्रोसेसर है, 5G का बैंड 13 बैंड्स दिए गए, 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है, 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट, 2 टाइम ऑफ अपग्रेड्स, मतलब 2 टाइम एंड्रॉयड अपडेट होगा और 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। वॉइस फोकस वाला मोड दिया गया है इसके अंदर, वॉइस फोकस मोड दिया गया जो कि अभी मेरे 52S में भी नहीं है भाई, वो उसमें दिया गया है। इसके अंदर 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ताकि आपका मोबाइल बहुत इजीली फास्ट चार्ज हो चुके, परफॉर्मेंस में भी बहुत शानदार ये यहाँ पर उनके हिसाब से जैसा कि उन्होंने बताया है। और मेरे को लगता है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं सैमसंग के अलावा किसी को कोई दूसरा फ़ोन सजेस्ट नहीं करता। अगर आप सैमसंग का लेना चाहते हैं तो आप ये वाला मोबाइल ले सकते हैं जो इस बजट रेंज में काफ़ी वैल्यूएबल फॉर मनी लग रहा है। ये आपको 10,490 का मिल रहा है। दोनों मोबाइल के लिंक नीचे मैं आपको दे दूंगा, जाके अगर आपका लेना है तो आप ले सकते हैं, और कुछ भी अगर लेना चाहते हो तो भी अमेजोन के, अगर आप अमेजोन से कुछ भी खरीदना चाहते हो तो नीचे अमेजोन के लिंक पर जरूर क्लिक करके खरीदना, थोड़ा बहुत उससे मेरा भी फायदा हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ इसी के अंदर, एक और मॉडल बता रहा हूँ जो है M33, जो भी लगभग सेम रेंज का है दोनों का, M34 और M33,
बट अगर आप देखेंगे तो M34 ज़्यादा महंगा लिखा होता आ रहा है। तो मैं थर्ड बताने वाला हूँ, ये ऐसा ही है, थर्ड मेरा मन नहीं था, दो पे ही बताने का था, और तीसरा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी मुझे सही रेट में लग रहा है, वो है M33 5G वाला। बट M33 5G से अच्छा M34 है, बिकॉज दोनों के प्राइस में कोई डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम ही है। तो अपग्रेड मॉडल पर जाएँ तो लोएस्ट मॉडल पर ना जाएँ, तो M34 ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको मिलेगा 6000 बैटरी के साथ, इसमें भी 6000 इसमें बैटरी मिलेगी। इसका इफेक्टिव प्राइस है 15,249 रुपये, जो कि 34 से ज़्यादा है। 34 आपको मिला था 14,000 कुछ में, और ये मिलेगा 15,000 कुछ में, तो 34 ज़्यादा बेस्ट है। अब इसकी कंपेरिजन देखा जाए तो इसमें क्या है, ये सबसे पहली बात, ये एंड्रॉयड 12 में आता है, M34 एंड्रॉयड 13 में आता है। यहाँ पर इनॉक्स के 12SC का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है 2.5 का, इसके अंदर 50 मेगापिक्सल और फिर 1.8 प्लस 2.2 के कैमरे दिए गए हैं 3, जो कि बहुत ज़्यादा कम है उसके कंपैरिजन में। यहाँ पर आपको बस 5G दोनों में दिया गया है। 120Hz का स्क्रीन रेट डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि उसमें था इसमें भी दिया गया है, और साथ में नॉक सिक्योरिटी दी गई है। हाँ, ये चीज़ अलग है इसके अंदर, उसमें नॉक सिक्योरिटी नहीं थी M34 में, M33 में आपको नॉक सिक्योरिटी मिलती है। अगर आपको नहीं पता नॉक सिक्योरिटी क्या होता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। बट यार ये 1UI 4 में आता है, मतलब इसके बाद अभी अपडेट मुश्किल है कि इसके बाद अपडेट हो, तो M34 ही लो ज़्यादा बेस्ट है। कंपेरिजन के हिसाब से तो मेरे हिसाब से M34 ही लेना चाहिए, तभी मैं तीनों के मोबाइल के लिंक आपको नीचे दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं इन तीनों में से कोई भी आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये नॉर्मल भाई मैंने आप लोगों को ऑफर बताने के लिए बताया, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लेना चाहते हैं, अगर मान लो उनको लगता है कि मेरे को नेक्स्ट टाइम लेना है तो वो रुक सकते, अगर वो थोड़ा बजट नहीं है तो अभी भी रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी भी फिर क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे ये सेल फिर आएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए, नए टैक्स अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप को जरूर फॉलो कर लेना, और व्हाट्सअप पे नया चैनल बनाया उसको भी फॉलो कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करो भाई, फेसबुक पे भी वीडियो डालता हूँ, वहाँ पर भी अपडेट्स सबसे पहले डालता हूँ, तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे सब दे रखा है, फॉलो जरूर कर लिया करो। तो थैंक यू सो मच।